हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम को देखते हुए लगातार साइंस का क्वेश्चन कराए जा रहे हैं और लूसेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कृषि विज्ञान को मिलाकर कुल 2500+ क्वेश्चन है। और आप अगर सारे क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं, कोई भी एग्ज़ाम, खासकर एनटीपीसी और ग्रुप डी में साइंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो करने जा रहे हैं 271 से, इससे पहले 270 क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आज 271 से क्वेश्चन देखेंगे। और शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे। इसी दौरान आपको आपका अपना आंसर सेलेक्ट कर लेना और बाद में कमेंट बॉक्स में करना है कि आपको 30 में से कितने नंबर आए, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूनतम ताप घोतित करता है? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है सबसे न्यूनतम ताप को इंडिकेट करता है, डिक्लेयर करता है। 1 डिग्री सेल्सियस मापक्रम पर, 1 केल्विन मापक्रम पर, 1 फ़ारेनहाइट मापक्रम पर, 1 रोमर मापक्रम पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 केल्विन मापक्रम पर। इसको बनाने के लिए आपको या तो सबको सेल्सियस में बदल दीजिए, या सबको केल्विन में बदल दीजिए, या सबको फ़ारेनहाइट में, या सबको रोमर में। तो हम सबको सेल्सियस में बदलते हैं। तो केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलिएगा तो केल्विन और सेल्सियस में जो संबंध होता है, सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो यहाँ पे केल्विन का वैल्यू 1 है, तो 1 केल्विन रखिएगा तो ये माइनस 272 सेल्सियस आ जाएगा, 272 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाएगा, 272 डिग्री सेल्सियस माइनस में आ जाएगा। और फिर 1 फ़ारेनहाइट को अगर आप सेल्सियस में बदलिएगा तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है सेल्सियस इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32, फ़ारेनहाइट माइनस 32 इंटू 5/9। तो यहाँ पे जैसे मान रखिएगा फ़ारेनहाइट का 1, तो ये माइनस 31/5/9 आएगा, जो कि माइनस 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास आएगा। और फिर 1 रोमर को आप सेल्सियस में बदलिएगा तो सेल्सियस इक्वल टू होता है 5 R 5 × 5/4 × रोमर। तो यहाँ पे अगर आप रोमर का वैल्यू 1 रखिएगा तो 5/4 × 1, जो कि आएगा लगभग 1.25 के आसपास। तो जो है सबसे कम किसको सूचित करेगा, तो ये माइनस 272 डिग्री सेल्सियस जो है 1 केल्विन बराबर होगा, तो ये सबसे न्यूनतम ताप होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 केल्विन मापक्रम पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति में गतिशील हो तो वेग और त्वरण का कालांतर, फेज डिफरेंस कितना होगा? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। याद रखिएगा, कोई अगर सरल आवर्त गति है, किसी दिन हम जो है आवर्त गति, दोलन गति, दोलन, आवर्तकाल, आवर्ती, सरल आवर्त गति, सरल लोलक, ये सब के बारे में वीडियो बना देंगे। तो अभी याद रखिए, जो वेग और त्वरण का जो फेज डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर पूछता कि वेग और विस्थापन का जो फेज डिफरेंस होगा तो वो 180 डिग्री होता। तो एक सरल आवर्त गति में गतिशील हो तथा वेग और त्वरण का फेज डिफरेंस जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पिंड ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर प्रक्षेपित किया जाता है तथा यह पुनः धरातल पर गिरता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा आपको बताना है कहाँ पर अधिकतम होगी। तो यह धरातल पर अधिकतम होगी, सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होगी, वापसी यात्रा के दौरान अधिकतम होगी, धरातल तथा अधिकतम ऊंचाई दोनों पर अधिकतम होगी। तो हम सब जानते हैं स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी P × E, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा MgH। तो ऊंचाई जितना अधिक होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान अधिक होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक ऊंचाई पर अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से किस एक की एक समान बीमा नहीं है? तो आपको एक समान बीमा नहीं है बताना है। तो आपको बीमा निकालने के लिए सबसे पहले उनका मात्रक पता होना चाहिए, उसका यूनिट पता होना चाहिए। तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का जो यूनिट होता है वो जूल होता है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का यूनिट जूल होता है, अर्थात इसका बीमा भी एक ही होगा। आते हैं फिर फोकस दूरी और ऊंचाई। तो इन दोनों का जो है मात्रक होता है ये मीटर होता है, इन दोनों का मात्रक मीटर होता है। और फिर आते हैं गुरुत्व बल और घर्षण बल।
तो गुरुत्व बल और घर्षण बल ये दोनों जो है दोनों का ही मात्रक न्यूटन होता है, और जिस जब दोनों का मात्रक एक ही होगा तो उसका बीमा भी एक ही होगा। और पूछा यहाँ बीमा एक ही नहीं है, एक समान बीमा नहीं है, तो घनत्व और विशिष्ट घनत्व का एक समान बीमा नहीं है। घनत्व का बीमा ये होता है, मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, जबकि विशिष्ट घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, एक बीमाहीन राशि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित आलेखों में से कौन सा एक समान गति निरूपित करता है। तो एक समान गति पूछा है, तो आप गति बराबर जानते हैं विस्थापन बटे समय होता है, विस्थापन बटे समय होता है। गति बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। तो जो है यहाँ पे जो है किसका ग्राफ बनेगा? विस्थापन और समय का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे वेग और समय तो आएगा नहीं, क्योंकि जो है विस्थापन और समय का ग्राफ बनेगा क्योंकि गति है, और फिर वेग समय किसका ग्राफ देता है? ये त्वरण का ग्राफ देता है। तो वेग हमको सिर्फ विस्थापन और समय में देखना है। तो यहाँ देखिए एक समान गति बोला है, तो यहाँ पे देखिए विस्थापन जो है घट रहा है, गति जो है घट रहा है समय के साथ, और फिर यहाँ पे गति कांस्टेंट हो रहा है, यानी एक समान हो रहा है। कांस्टेंट मतलब यानी कि स्थिर हो रहा है, उसके बाद जो है बढ़ रहा है एक समान होके। तो ये सही नहीं होगा। यहाँ देखिए समय के साथ जो है गति एक समान होके बढ़ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सरल आवर्त गति में एक सरल लोलक के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, मध्य स्थिति में तारत्व अधिकतम होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये इसको याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऊष्मा के सर्वोत्तम और निकटतम चालक क्रमशः क्या है। आपको बताना है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक और सबसे खराब चालक। चांदी एवं सीसा, ताम्र एवं एल्युमिनियम, चांदी एवं स्वर्ण, ताम्र एवं स्वर्ण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है चांदी, और सबसे खराब चालक जो है निकृष्टतम चालक जो है वो सीसा होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर के रूप में रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। केवल चालन, केवल संवहन, केवल विकिरण, चालन विकिरण दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल संवहन। तो रेडिएटर का हम पिक्चर दिखा देते हैं। तो रेडिएटर जो काम करता है, यहाँ देखिए रेडिएटर, ये रेडिएटर है। तो ये जो काम करता है केवल संवहन पर काम करता है, इसी को रेडिएटर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक उच्चतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है, लघुकृत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बढ़ जाता है, वायुमंडल में बढ़ी हुई ओजोन मात्रा के कारण कम हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतर, इसका सही आंसर हो जाएगा निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण कम हो जाता है। आप जानते हैं अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर है, क्योंकि जल का क्वथनांक जो होता है निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, और निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण जो है क्वथनांक भी उसका कम हो जाएगा। इसीलिए आप खुले बर्तन में जो है खाना जल्दी पका नहीं सकते, क्योंकि उसका क्वथनांक कम हो जाने के कारण जो है वो जल्दी उबलने लगेगा, इसीलिए प्रेशर कुकर का प्रयोग करेंगे। सौर प्रकाश में सर्वाधिक सामान्य प्रकार की विकिरण ऊर्जा जो मनुष्य में त्वचा का धूप तारमता के कारण, ये सनलाइट होता है, धूप तारमता का माल सनलाइट के कारण होती है, क्या कहलाती है। तो आपको बताना है मनुष्य के जो त्वचा पे धूप के कारण जो प्रभाव होता है वो किस कारण विकिरण के द्वारा होता है। पराबैंगनी, दृश्य विकिरण, अवरक्त या सूक्ष्म तरंग विकिरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराबैंगनी विकिरण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को सुस्पष्टता से देख सकता है, यानी स्पष्ट तरीके से देख सकता है, परंतु निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता। जरा दूर दृष्टता वाला व्यक्ति निकट वस्तुओं को बिना संशोधक चश्मे के देख सकता है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है ये सही संबंध है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा जो है सही नहीं है। तो आप देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। हम जानते हैं जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होगा
वो निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है पर दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो अर्थात ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने की बात कही है। दीर्घ दृष्टि वाला व्यक्ति हम जानते हैं कि दूर की वस्तुओं को आसपास देख सकता है पर निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। तो यहाँ पे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता लिखा, तो ये भी गलत हो गया। ज़रा दूर दृष्टता वाला व्यक्ति, तो हम जानते हैं ज़रा दूर दृष्टता वाला में जो है निकट और दूर की दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो ये भी जो है गलत हो गया क्योंकि ये बोलता है बिना संशोधक के चश्मे देख सकता है, इसे तो इसे चश्मे की ज़रूरत है ज़रा दूर दृष्टता वाले को, ये दूर की वस्तुओं को भी और निकट की वस्तुओं को भी नहीं देख सकता। इसके लिए जो हम लोग बायोफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो 1, 2 और 3 कोई सही नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे भी है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो बताना है आपको। साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प परिकीर्णन के कारण नीला दिखता है। वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक परिकीर्णन प्रदर्शित करता है। वायुमंडल में अनुपस्थिति में प्रकाश परिकीर्णन नहीं होगा और प्रकाश कृष्ण दिखेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, क्योंकि यहाँ पे देखिए साफ आसमान दृश्य प्रकाश के नीले तरंगदैर्ध्य के अल्प परिकीर्णन अगर होगा तो जो है वो नीला दिखेगा ही नहीं, तो इसीलिए ये मेरा गलत हो गया। फिर आता है वायुमंडल में प्रकाश का रक्त भाग नीले प्रकाश की अपेक्षा अधिक परिकीर्णन होता है। अगर रक्त भाग अधिक परिकीर्णन होगा तो रक्त दिखेगा, जबकि यहाँ पर यह गलत है क्योंकि नीला दिखता है और नीले प्रकाश जो है अधिक परिकीर्णन होता है लाल प्रकाश की अपेक्षा, तो यहाँ उल्टा लिखा गया है। फिर आता है वायुमंडल की अनुपस्थिति में, यानी वायुमंडल नहीं रहेगा तो प्रकाश परिकीर्णन नहीं होगा, अर्थात प्रकाश जो है काला दिखेगा, कृष्ण दिखेगा, कृष्ण मतलब काला होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 3। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी से निकाला जाता है तब उसके बाल जो है आपस में क्यों चिपक जाते हैं? सयानता के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, घर्षण के कारण, प्रत्यास्थता के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है? द्रव को कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, और जो है वो कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होता है अर्थात वो सिकुड़ना चाहेगा, अर्थात जो है वो शेविंग क्रीम ब्रश में जो है पानी से निकालने पर उसके बाल जो है आपस में चिपक जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव उससे अधिक कब होता है? तो आपको बताना है मनुष्य जब भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? जब वो नीचे भूमि पर लेट जाता है, जब वो पैर की पदांगुली पर खड़ा होता है, जब वो दोनों पदों की भूमि पर सपाट रख कर खड़ा होता है, उपयुक्त में से समान दबाव उत्पन्न करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब वो एक पैर के पदांगुली पर खड़ा होता है। जब आप एक पैर के उंगली पर जब धरती पर खड़े रहिएगा तो सबसे ज़्यादा आप धरती पर दबाव दीजिएगा। तो यहाँ पे जो है जब नीचे भूमि पर लेट जाएगा तो सबसे कम दबाव होता है, इसीलिए दलदली क्षेत्र में सजेशन दिया जाता है कि अगर आप फंसने वाले हैं तो फिर जो है आप दलदली में लेट जाइए, इससे जो है दबाव कम होगा और आप जो है दबने से दलदली में घुसने से बच जाइएगा। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा जब वो एक पैर के पदांगुली पर खड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह आपको बताना है। प्रकाश के नियमित परावर्तन, प्रकाश के परिकीर्णन परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सी वी रमन को किस क्षेत्र के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? धुआन मापी, प्रकाश परिकीर्णन, रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश के परिकर्णन के कारण जो है सी वी रमन को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन है, क्रेस्कोग्राफ के आविष्कार किसने किया था? एसएन बोस, पीसी राय, जेसी बोस, पीसी महलनोबिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है क्रेस्कोग्राफ का आविष्कारक जो है जेसी बोस किए थे। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको बताना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 760 mm ऑफ HG यानी 760 पारद के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला जो है दाब क्या कहलाता है? 1 पास्कल, 1 एटमोस्फेयर, 1 bar, 1 poise। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 एटमोस्फेयर। याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 mm ऑफ पारा HG लगने वाला दबाव को ही हम लोग 1 एटमोस्फेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द मैन हु
द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला फिल्म किसकी जीवनी पर आधारित है? एस रामानुज, एस चंद्रशेखर, एस एन बोस या सी वी रमन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एस रामानुज। एस रामानुज के जो है फिल्म पर जीवनी पर जो है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म बना है। अगला क्वेश्चन है, कन बोसोन का संबंध किस किसके नाम से है? आपको बताना है जेसी बोस, एस एन बोस, आइजेक न्यूटन या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 291 का एस एन बोस। एस एन बोस जो है इसी यही का, ये जो कण जो है कण बोसोन के नाम से जो है एस एन बोस का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, ये आपको बताना है गीगर मूलर काउंटर, पॉलीरीमीटर, कैलोरीमीटर या बैरोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीगर मूलर काउंटर से जो है रेडियो धर्मिता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, गॉड पार्टिकल आपको बताना है, न्यूट्रॉनों को बोलते हैं, हिंग्स बोसन को बोलते हैं, मोसन को बोलते हैं, पॉजिट्रॉन को बोलते हैं या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिग्स बोसन को जो है गॉड पार्टिकल बोलते हैं। इसको याद रखिएगा कि गॉड पार्टिकल जो है हिग्स बोसन को बोलते हैं। आइंस्टीन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको बताना है, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत का सिद्धांत, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, ब्राउनिंग गति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश विद्युत का सिद्धांत के लिए जो है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बस आज भर इतना ही था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और इसका पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके ले सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और जो है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और जो है लोगों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।